ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड द स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल. ओके सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विथ आर सिलेबस. ओके बट बिफोर स्टार्टिंग आर लेक्चर आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू यू एंड ऑल्सो विल क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके बट यू हैव टू गिव मी आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल. ओके यू हैव टू गिव मी रिस्पॉन्स एज क्विकली एज पॉसिबल. हम समराइज करेंगे पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा, ठीक है, और मैं आपको पिछले लेक्चर के ही आधार पर कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है, और आपको उसका आंसर देना है, ठीक है. व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज आवर प्रीवियस लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. ओके व्हाट आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस लेक्चर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड अनलेस एंड अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर पॉलिटी इट वोंट बी वर्क फॉर यू. ओके सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द सिलेबस, राइट. रिमेंबर दैट योर पॉलिटी सेक्शन इज इन मेंस जीएस पेपर टू. ओके जीएस पेपर टू में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ये चार टॉपिक्स आते हैं. उसमें से जो पहले तीन टॉपिक है दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर. ओके अंडर पॉलिटी, ठीक है. सो और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये जो पॉलिटी का पूरा सिलेबस है दिस इज ऑल स्टैटिक, ठीक है. ये जो भी हम सीखने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, क्या क्या फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी स्टैटिक है. और इसमें से प्री के लिए बहुत सारे सवाल जरूर आते हैं लेकिन मेंस के लिए डायरेक्टली सवाल नहीं आते. मेंस के लिए इशू बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ. हमारा यहाँ पे पॉलिटी में एक स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, स्टैटिक टॉपिक है जिसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, केंद्र के राज्य के साथ संबंध, ये एक टॉपिक है, ठीक है. तो इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो थिंग्स है वो दी गई है कि किस प्रकार से सेंटर और स्टेट में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो है, सेंटर में क्या क्या किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, स्टेट में किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, कौन सी पावर किस गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है, ये सारा हुआ स्टैटिक का पार्ट. लेकिन जब मेंस में सवाल आएगा तो मेंस में सवाल ऐसा नहीं आएगा कि डिस्क्राइब व्हाट पावर्स व्हाट टाइप ऑफ पावर सेंटर हैव एंड व्हाट टाइप ऑफ पावर स्टेट हैव, ऐसा सवाल नहीं आएगा, ठीक है. सवाल आएगा जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं अभी करंटली उससे. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो जीएसटी का जीएसटी के फंड्स है, ठीक है, जो सेंटर को देने हैं, ठीक है, या फिर जो 15th फाइनेंस कमीशन है, मतलब सेंटर के पास जितना टैक्स आता है उसमें से कुछ टैक्स सेंटर को स्टेट को देना पड़ता है, ठीक है. तो ये एक बर्निंग इशू था कि साउथ इंडिया के स्टेट मांग कर रहे थे कि हमको नॉर्थ इंडिया के स्टेट के कंपेयर में हमको कम फंड्स मिलते हैं सेंटर की तरफ से, ठीक है. तो ये एक इशू चल रहा था सेंटर और स्टेट के बीच में. तो सवाल उस इशू पे आएगा यूपीएससी में, ना कि सवाल आपको ये पूछा जाएगा कि सेंटर के पास कौन सी पावर है और स्टेट के पास कौन सी पावर है. लेकिन अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो व्हाट पावर सेंटर्स हैव एंड व्हाट पावर स्टेट हैव और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यू कैन नॉट गिव आंसर टू दैट क्वेश्चन. ओके दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टैटिक एज वेल एज यू हैव टू अवेयर अबाउट द करंट बर्निंग इश्यूज रिगार्डिंग द स्टैटिक पोर्शन. ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई सबको? मैंने जब जो भी अभी आपको बताया वो समझ में आ गया सबको?
कि किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं मेंस के लिए। ओके, तो ओके, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको कंटिन्यूअसली जो न्यूज़पेपर है उसको रीड करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के टच में रहना पड़ेगा, तभी आपको ये इश्यूज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। तो सिलेबस हमने देख लिया लास्ट लेक्चर में, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट से। उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी सीखा कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है, उसके बाद हमने नेशन, कंट्री और रिपब्लिक के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसमें डेमोक्रेसी का क्या मतलब है वो हमने सीखा, राइट। देन ऑटोक्रेसी क्या होती है उनके बीच का डिफरेंस सीखा। देन डेमोक्रेसी के दोनों टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट में भी फिर दो टाइप्स आते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई, दूसरी प्रेसिडेंशियल, राइट। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। देन वी हैव स्टडीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वी हैव स्टडीड अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके बाद हमने पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये तीन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। ठीक है, थीके? उसमें लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं, जुडिशरी में कौन कौन होते हैं और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा कि फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, राइट। संघ राजकीय पद्धत और केंद्रीय प्रकार की पद्धति, ओके, और सिस्टम। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। संकल्प सेड हेड ऑफ द स्टेट, ओके। अदर्स, अविनाश पाटिल सेड हेड ऑफ द स्टेट, ओके। बाकी के लेट्स ट्राई टू आंसर, दो ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेट, ओके, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ओके, तीन ही लोगों ने जवाब दिया और बाकी के दो ही, आपके पास दो ही ऑप्शन है, कोई भी चुन लीजिए अगर आपको नहीं भी आता है तो। स्टेट 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 स्टेट, ओके। सो रिपीट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब आपको समझना पड़ेगा और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आगे जाके देखने ही वाले हैं, लेकिन आई जस्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आप कितने क्यूरियस हो और इसका क्या आंसर देते हो। सो ऑल ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर दैट हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है फिर, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर, राइट। ओके, सो बेसिकली हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, जो भी हमारे कंट्री का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, ठीक है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव हेड भी हमारा प्रेसिडेंट ही है, लेकिन प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड, ठीक है, और सेरेमोनियल हेड। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड भी कहलाता है। कैसे, क्योंकि जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डिनेंस पास होते हैं, जो भी उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन के बाद ही इशू हो पाते हैं या पास हो पाते हैं। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव हेड तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट इज जस्ट अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट वो किसी भी उस डॉक्यूमेंट के प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ते हैं जो
प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मतलब जो मिनिस्टर लोग है उनकी काउंसिल प्रेसिडेंट को जो भी ऑर्डर साइन करने के लिए देगी, उन प्रेसिडेंट को वो ऑर्डर पर साइन करना ही पड़ता है, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मतलब प्रेसिडेंट के साइन के बगैर वो पास नहीं हो सकता, लेकिन प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है, ये ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मतलब यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर, दैट इज वाई दी हेड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर, बट हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, ठीक है, और यहाँ पे भी सेरेमोनियल ही हेड ऑफ द स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, ओके बाकी के सारे जो अथॉरिटीज एर पावर जो रियल किसके हाथ में होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं, ठीक है, तो जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, ओके उसके बाद में आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू दैट मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा, आपको मुझे बताना है कि ये फीचर्स, ये जो मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा, ठीक है, हमारे यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के, तो आपको मुझे बताना है कि ये यूनिटरी फीचर या फेडरल फीचर है, ठीक है, तो पहला फीचर है ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप कौन सा फीचर है, इट इज अ फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, पेट्रोल, व्हाट पेट्रोल, ओके टू ऑफ गिवन, ओके फेडरल, फेडरल राइट, एक्चुअली यू आर राइट, वेरी गुड, तो ड्यूअल सिटीजनशिप वो क्या है, फेडरल फीचर है, क्यों, क्योंकि फेडरल का मतलब क्या होता है कि संघ राज्य, ठीक है, मतलब राज्यों के पास अथॉरिटी या सॉवरिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है, अगर ड्यूअल सिटीजनशिप है मतलब सेंटर की भी एक सिटीजनशिप आपके पास है और आपके राज्य की भी आपके पास अगर सिटीजनशिप है तो ये हो गया फेडरल फीचर, राइट, ओके द नेक्स्ट फीचर इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट अ फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, संकल्प सेज फेडरल, अदर्स व्हाट डू यू थिंक, प्लीज एवरीबडी ट्राई टू गिव आंसर, सिंगल सिटीजनशिप मतलब सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मेरे पास होगी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूएस में किस प्रकार का सिस्टम है, ओके संकल्प सेज यूनिटरी, अदर्स, ओके सो सिंगल सिटीजनशिप इज अ यूनिटरी फीचर, ठीक है, क्यों यूनिटरी फीचर है, सो बेसिकली हम जब इंडिया में रहते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, इंडिया में हमारे पास सिर्फ भारत की सिटीजनशिप है, राइट, अगर हम दूसरे स्टेट में अगर जाए, मान लो कि अगर मैं बिहार में जाता हूँ तो मुझे बिहार में रहने के लिए या जॉब करने के लिए मुझे बिहार की सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ेगी, राइट, तो उसे बोलते हैं कि हम सिंगल सिटीजनशिप के सिर्फ अधिकारी है, सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप है, तो ये हुआ यूनिटरी फीचर, लेकिन अगर यूएस में आप जाए तो यूएस के जो स्टेट्स है उन सभी स्टेट का, उनकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी है उनका भी एक सिटीजनशिप है और उसके बाद में हर एक राज्य की अलग अलग सिटीजनशिप है, ठीक है, तो ये तो हो गया यूनिटरी फीचर, सिंगल सिटीजनशिप, ओके बाकी भी बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन मैंने आपको वो एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो जब हम डिटेल में फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम सारे फीचर्स डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक, ओके सो दिस इज आवर सेकंड लेक्चर, ओके ये आज इंडेक्स है, ठीक है, सो पॉलिटी जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट में ये टोटल 8 टॉपिक्स है, रीड इट आउट, ठीक है, इनको रीड कीजिए ठीक तरह से, तो ये जो पूरे के पूरे 8 टॉपिक्स है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है, एंड दिस विल हमको ये शायद
बहुत 100 लेक्चर्स भी लग सकते हैं ये सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसके बाद में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट, फिफ्थ देखेंगे लोकल गवर्नमेंट, सिक्स यूनियन टेरिटरीज, सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके ओके सो इन आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, और वी कैन से इन आवर वेरी फर्स्ट पिलर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, देर आर 10 सब टॉपिक्स। ओके, यहाँ पे 10 सब टॉपिक्स हैं, और उनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, और उसके बाद में कौन कौन से टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ्रेमवर्क है। उसके पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बाद में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अभी डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, फोर्थ है प्रीएम्बल, फिफ्थ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिक्स्थ है सिटीजनशिप, सेवन्थ है फंडामेंटल राइट्स, एट्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाइन्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज, और 10 है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी वेरी फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट पिलर, एंड इन दैट अ वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानने की क्या जरूरत है। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक आज का है उसमें पूरा का पूरा टॉपिक कह लीजिए कि ये हिस्टोरिक है, ठीक है, मतलब ये हिस्ट्री का पार्ट है, इट इज मोर और लेस अ हिस्ट्री टॉपिक। ओके, तो आज हम आपको ऐसा लगेगा इस लेक्चर में कि ये पॉलिटी का लेक्चर है या हिस्ट्री का लेक्चर है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें मोर और लेस हम हिस्ट्री ही देखने वाले हैं। हिस्ट्री किसकी देखने वाली है, हिस्ट्री देखने वाले हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इन्फ्लुएंस किया ब्रिटिश राज ने, ठीक है। तो यहाँ पे एक जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो एक बेसिक सा सवाल हमारे मन में ये आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1948 को, ठीक है, 49 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, और हमने 26 जनवरी 1950 को जब हमारा रिपब्लिक डे होता है उस दिन डे को हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 साल और 8 महीने का टाइम लगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था पहली बार में, ठीक है, तब उसमें थे लगभग 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड लगभग 12 पार्ट्स, ठीक है। तो इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इतना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। तो एक बेसिकली एक सवाल मन में ये आता है कि इतना सारा जो डेटा या फिर इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने किस प्रकार से बना लिया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने मन से ही सारा इजाद किया, सारी जो सिस्टम्स है, जो फॉर एग्जाम्पल हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई है, उन्होंने अपने खुद के मन से ही, उनको लगा कि नहीं ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छी है वगैरह वगैरह, तो इसको अडॉप्ट कर लेते, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। तो उसके पीछे एक बहुत सारे कारण है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही हमने क्यों अडॉप्ट की, क्यों प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट नहीं की एज लाइक यूएस। ओके, वैसे ही बहुत सारे सवाल है, राइट, कि हमारा जो हेड रहेगा, हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, वो कोई प्रेसिडेंट रहेगा ना कि कोई मोनार्क रहेगा जैसे ब्रिटेन ब्रिटेन में है, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है अभी, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में कहाँ से आई, तो इसका आंसर ये है कि इसके पीछे लेगेसी है ब्रिटिश राज की हमारे इंडिया में,
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहिए कि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसकी लेगेसी हमने ब्रिटिशर से ली है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ही हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के बीज बो दिए थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और उन्हीं से हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की, ओके। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर जो कोई उनके सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, बहुत हद तक हमने वही कैरी फॉरवर्ड की है इन इंडिया, ओके। जैसे हमारा इंडियन पिनल कोड हो गया, या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर आईपीसी जो हो गया हमारा इंडियन पिनल कोड, ठीक है, वो 18 लास्ट हाफ ऑफ 19th century में बना था ब्रिटिशर्स के टाइम, वही उसको ही हमने मॉडिफाई करके अडॉप्ट कर लिया था। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जो हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किए, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से हमने अडॉप्ट किए। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड जानना है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड और व्हाट इंस्पिरेशन डिड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और उसके लिए हमको पढ़ना होगा ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया को अगर हम कैटेगराइज करें तो बेसिकली ब्रिटिश रूल इन इंडिया दो हिस्सों में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वन इज द कंपनी रूल, विच इज फ्रॉम 1773 टू 1858, ओके। एंड अदर वन इज द क्राउन रूल, दैट इज 1858 टू 1947। तो ये जो अलग अलग ये जो अलग अलग कैटेगरी की गई है, ये किस बेसिस पे की गई है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आए थे कि हम जाएंगे इंडिया में और डायरेक्टली अपना राज स्थापन करेंगे, ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है। और ब्रिटिशर्स आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, चलो थोड़ा बार हिस्ट्री पढ़ ही लेते हैं, अब ये टॉपिक आया ही है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी कि जब ट्रेड चालू हुआ, सी रूट ओपन हुआ यूरोप से इंडिया तक, तो उसमें जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी वो सारी इंडिया में आकर अच्छे से ट्रेड करने लगी थी, जिसमें पोर्तुगीज फर्स्ट आए, उसके बाद डच आए, देन डेन्स आए, तो ये सारे यूरोपियन कंट्रीज में होड़ लगी थी इंडिया में आकर व्यापार करने की और व्यापारिक फायदा उठाने की, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स भी पीछे नहीं रहना चाहते थे, तो ब्रिटेन में जो बड़े बड़े धनी व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने क्या किया कि एक कंपनी बना लिया आपस में, एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स था, अ वेल्दी ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स इन ब्रिटेन केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ कंपनी नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी का काम क्या था, तो ये कंपनी व्यापार करने के लिए ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापार करने के लिए बनी थी, ठीक है। और इस कंपनी ने ब्रिटेन का जो क्राउन है, ब्रिटेन का जो राजघराना है, ठीक है, उनकी जो अथॉरिटी थी उस टाइम पे, उनसे एक चार्टर हासिल कर लिया, ठीक है। चार्टर मींस क्या था कि ब्रिटेन की वहां की जो किंग और क्वीन थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एक चार्टर दिया। उस चार्टर के अनुसार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही, ब्रिटेन की सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में जाकर व्यापार कर सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज थी, व्यापारी कंपनियां बहुत सारी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सिर्फ भारत में व्यापार करने की इजाजत दी गई, ओके। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी हैव सोल मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया विथ परमिशन फ्रॉम ब्रिटेन क्राउन, ओके। तो ये तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने व्यापार करना चालू कर दिया। जब उन्होंने व्यापार करना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ की पॉलिटिक्स में वो घुस गए, ठीक है। जब पहली बार कंपनी ने इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन पे, जब पहली बार कंपनी ने पॉलिटिक्स में जब कंपनी घुसी थी, मतलब पॉलिटिकल
एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चालू की, तो हम कह सकते हैं कि इन 1765। ये ईयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज बैटल ऑफ बक्सर हैज हैपेंड। बैटल ऑफ बक्सर में क्या किया, ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया, ठीक है, और वहां पे ब्रिटिशर्स ने मुगल सल्तनत से क्या किया, बंगाल का जो एरिया था, बंगाल का जो एरिया था, वहां से वहां में उस एरिया में जो दीवानी फंक्शंस थे, ठीक है, दीवानी मींस व्हाट, राइट्स ओवर द रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, वो हासिल कर लिए, ठीक है। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1765, ईस्ट इंडिया कंपनी विच टिल नाउ हैड अ प्योरली ट्रेडिंग कंपनी हैज ऑब्टेन द दीवानी राइट्स। ओके, तो दीवानी राइट्स मींस व्हाट, तो दीवानी का मतलब होता है कि राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, ठीक है। सो रेवेन्यू महसूल जो उसे बोलते हैं कर, ठीक है, टैक्स जो कलेक्शन का काम है, उसके अधिकार और सिविल जस्टिस के अधिकार ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से हासिल कर लिए। कौन से एरिया में, बंगाल में, ठीक है, और वहीं से ही ब्रिटिशर्स का, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के पॉलिटिक्स में उनका एंट्रेंस हो गया, ठीक है। और वहीं से जो पॉलिटिक्स है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, इन दी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पहले तो वो व्यापार करने के लिए आए, लेकिन बाद में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर क्या है, वो किस प्रकार से हुआ, आप हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें ये जानना है कि इन दी 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स हैड सक्सीडेड इन गेटिंग दी दीवानी राइट्स ओवर दी प्रोविंस ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल में दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए, ठीक है। ओके, तो उस टाइम से लेकर 1858 तक इंडिया में कौन रूल कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ठीक है। मतलब 1765 से लेकर 1858 तक, ठीक है, 1858 ही क्यों, वो भी हम जानेंगे। तो बेसिकली ये जो पीरियड था 1765 से 1858, लगभग 100 साल का पीरियड, या फिर 90 साल कह लीजिए, ठीक है। तो ये 90 साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल कर रही थी, या फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा करती जा रही थी। लेकिन 1857 में क्या हुआ, द मेजर इवेंट हैज हैपेंड इन दी 1857, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज हैपेंड, और द सिपाही म्यूटिनी, ठीक है। 1857 में बहुत बड़ी जंग हो गई ब्रिटिशर्स और जो इंडियंस के बीच में, ठीक है, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, राइट। तो इससे जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरह से हिल गई, ठीक है। वो जो इवेंट्स हो गए, इतना बड़ा खून खराबा हो गया है, वॉरलाइक सिचुएशन इंडिया में पूरे क्रिएट हो गई, पूरे लोग, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, उस कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ पूरे लोग खड़े हो गए और विरोध करने लगे, और बहुत बड़ा रक्तपात हो गया उस टाइम पे, और ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हिल गई, शॉक हो गई, एंड आफ्टर दैट द क्राउन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन के जो मोनार्क्स थे, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली इंडिया से हटा दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी एरिया एक्वायर कर लिया था उस टाइम पे 1858 में, उस एरिया को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन करने का फैसला कर लिया ब्रिटेन क्राउन ने, ठीक है। तो इसीलिए 1858 से जो 1947 का जो पीरियड है उसे बोलते हैं क्राउन रूल, ओके। एंड जो उससे पहले का जो रूल है, उससे पहले का जो रूल है उसे बोलते हैं कंपनी रूल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। लेकिन 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नामोनिशान हट गया, और डायरेक्टली जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सत्ता भारत की अपने हाथ में संभाल ली, ठीक है। मतलब ब्रिटेन से हमारी यहाँ पे इंडिया की सत्ता चलती थी, ठीक है, उन्होंने वहां से वाइस रॉय या फिर
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बहुत सारे जो उनके अधिकारी थे वो वहां से नॉमिनेट करते थे और वहां से वो इंडिया में आकर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि दीज टू कैटेगरीज, हाउ दीज टू कैटेगरीज आर मेड। डू यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ क्राउन रूल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल हैज बीन कैटेगराइज्ड? आपको समझ में आ गया? और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? यस, ओके। सो ये तो था कि किस प्रकार से ब्रिटिश ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन के दो कैटेगरीज है। ठीक है, सो हमको पहले पढ़ना है कि कंपनी रूल, जो कंपनी रूल था 1773 से लेकर 1858 तक, तो वहां पे कौन कौन से एक्ट्स थे वो पास किए गए। ठीक है, वहां पे किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो आज का जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है, राज्यसभा है, लोकसभा है, स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी विधानसभा है, विधान परिषद है। ठीक है, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेट है। तो क्या ऐसा ही सिस्टम था जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे भी, या फिर ये सिस्टम किस प्रकार से इवॉल्व हुआ, तो ये हमको इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द कंपनी रूल 1773 टू 1853। ओके, सो आफ्टर कैप्चरिंग दी आफ्टर सक्सेसफुली गेटिंग दी दीवानी राइट्स ओवर दी बंगाल एंड ओरिसा बाय ब्रिटिशर्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, द करियर हैज बीन द करियर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल पावर हैज बीन स्टार्टेड, राइट? एंड इन 1858 इन द वेकअप ऑफ सिपॉय म्यूटनी द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, राइट? 1858 के बाद डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस है उसको डायरेक्टली अज्यूम कर लिया। एंड द रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इट्स इंडिपेंडेंस इन ऑगस्ट 15, 1947। ठीक है, और ये जो ब्रिटिश क्राउन का रूल है वो इंडिया में चलता रहा अगस्त 15, 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। ओके ओके, सो वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन द ब्रिटिश रूल, राइट? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर सर्टन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट? सो देयर आर सर्टन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट? एंड दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ओके, तो इन्हीं इवेंट्स को हमको यहाँ पे पढ़ना है। सो पहला टॉपिक हम लेते हैं, दैट इज कंपनी रूल। उसमें है चार हमको इवेंट्स या चार एक्ट्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, सो बेसिकली 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास किया गया। यहाँ की जो ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजेशंस है, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी यहाँ के एरियाज है उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कोई तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ना। ठीक है ना, बरोबर है ना, कि जो अगर हमने टेरिटरी एक्वायर की है तो उस टेरिटरी को मेंटेन करने कुछ लॉ ऑर्डर की सिस्टम होनी चाहिए, कुछ जुडिशियल सिस्टम होनी चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर हमको पढ़ना है 1853 तक। ओके, सो कंपनी रूल 1773 टू 1858। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। ठीक है, देन सिचुएशन आफ्टर 1765। सो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एम एन रॉय है, ठीक है, सो एम एन रॉय इज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ओके, एक एम एन रॉय नाम के एक व्यक्ति थे जो इंडिया में, जिन्होंने जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो संस्थापक थे इंडिया में,
उन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भारत का स्वतंत्र, ऐसी बात उन्होंने 1934 में की थी, ठीक है। और उसी के बाद जो धीरे धीरे इवेंट्स बनते गए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो ये जो एक मैंने यहाँ पे नाम इसीलिए डाला है कि ऐसे फैक्चुअल सवाल यूपीएससी पूछती है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। सो एम एन रॉय, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंपनी रूल 1773। तो फर्स्ट जो एक्ट है वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके। सो आपको ये चीज रिमेम्बर करनी है कि 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी रूल है, और 1858 के बाद मतलब 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बाद से लेकर 15 अगस्त 1947 तक क्राउन रूल है, ठीक है। तो कंपनी रूल का पहला एक्ट हम देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो दिस एक्ट इज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, सो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो पहले तो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और उन्होंने जो व्यापार कर रही थी वो एटोनोमसली कर रही थी, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका कोई हाथ नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कर रही है इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स है इंडिया में उनको रेगुलेट करना या फिर इनको इन्फ्लुएंस करना चालू कर दिया। सो इट रिकग्नाइज द ब्रिटिश क्राउन और द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी एंड इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो पहली बार ब्रिटेन की जो क्राउन है, ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल फंक्शंस है उनको रिकग्नाइज किया, और जो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करने की उन्होंने शुरुआत की 1773 में, ठीक है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट 1773, ओके। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। सो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो प्रोविंसेस थे उनका जो एरिया था, उनके अंडर जो एरिया था उन्हें बोला जाता था प्रोविंस, ठीक है। प्रोविंस मतलब, प्रोविंस का क्या मतलब है? प्रांत। तो तीन प्रांत थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कौन से थे? बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो जो बॉम्बे का प्रांत है उसमें क्या क्या था? आज का जो गुजरात राज्य है, आज का जो महाराष्ट्र राज्य है, उसके बाद में जो एमपी का कुछ प्रदेश, राजस्थान वगैरह वगैरह का जो एरिया वो बॉम्बे प्रोविंस में था। बंगाल में कौन सा था? बंगाल प्रोविंस में क्या क्या, कौन कौन से एरियाज आते थे? बंगाल प्रोविंस में था पूरा हमारा पश्चिम बंगाल का राज्य, पूरा बांग्लादेश का राज्य, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार, देन ओडिशा, झारखंड, ठीक है। मतलब बंगाल जो प्रोविंस था उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था और सबसे बड़ा भी था। उसके बाद में थर्ड था मद्रास प्रोविंस, और मद्रास प्रोविंस में कौन कौन से एरियाज थे? जो हमारे सारे साउथ इंडियन स्टेट्स है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, ये सारे उस टाइम पे मद्रास प्रोविंस का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। अब ये तीन प्रोविंस हो गए, और इन तीन प्रोविंस को चलाने के लिए तीन गवर्नर्स हुआ करते थे, ठीक है। कौन थे गवर्नर्स? द गवर्नर्स वर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स फॉर द थ्री प्रोविंसेस। जैसे बंगाल का एक अलग से गवर्नर था, बॉम्बे का एक अलग से गवर्नर था, और मद्रास का एक अलग से गवर्नर था, और ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते थे, ठीक है। बट
जो 1773 का एक्ट है उसके अनुसार एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की ओर कदम बढ़ाया गया। ठीक है, इसी कदम के अनुसार ब्रिटिश क्राउन ने जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, एंड इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया कि जो तीनों गवर्नर्स थे वो इक्वल थे इन पोजीशन। ठीक है, उनके जो अथॉरिटी थी वो इक्वल थी, वो तीनों अपने अपने प्रोविंस के हेड थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर होगा वो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से ऊंचा होगा या ऊपर होगा। ठीक है, और बंगाल का जो गवर्नर होगा उसे गवर्नर जनरल ऐसा बोला जाएगा, ऐसा उन्होंने उस एक्ट में ये प्रावधान किया। ठीक है, सो द लॉर्ड वैरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यू हैव टू रिमेम्बर हिज नेम। ओके, अगर अभी याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने लोगों के डिटेल से ये सारी चीजें, तो आपको ये चीजें फैक्चुअल चीजें वो याद में याद रह जाएंगी। ठीक है, नाउ उसके बाद में और क्या क्या चीजें थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता हैज बीन सेटअप इन 1774। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में। ठीक है, जो पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे भारत में बनाया गया, तो वो था कलकत्ता में सन 1774 में। ठीक है, ओके, नाउ इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। राइट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हैज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड इट ऑल्सो मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। राइट, उसके बाद में इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने देख लिया। नाउ इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ही ज्यादा करप्ट थे। ठीक है, वो क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेड करने के अलावा वो प्राइवेट ट्रेड भी करते थे इंडिया में आकर, और लोगों से गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करते थे इंडिया के लोकल लोगों से। ठीक है, रिश्वत लेते थे। तो इसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड एंड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। लोकल लोगों से कोई भी गिफ्ट या फिर लोकल लोगों से कोई भी पर्सनल व्यापार करने की उनको सख्त मनाही की गई। ओके, ऑल्सो इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अ गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू एंड सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू किया ईस्ट इंडिया कंपनी पर, और उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक कमिटी बनाई। ठीक है, और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी यहाँ पे फंक्शन चल रहे थे उनको देखते थे। ठीक है, बेसिकली दिस इज एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने क्या कहा कि आप जो भी वहां पे व्यापार कर रहे हैं वो हमको उनके सारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स और आपके जो मिलिट्री अफेयर्स और सिविल अफेयर्स है उनको आप ब्रिटेन में रिपोर्ट करोगे। ठीक है, हमको बताओगे। ओके, सो दिस वॉज द एक्ट ऑफ 1773। नाउ सेकंड इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, सो पिट्स का ना पिट्स का क्या मतलब है, बेसिकली ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है,
सो पिट्स एक ऑफिसर्स थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हिज पोस्ट, ओके। तो वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट में कोई कैबिनेट मिनिस्टर या फिर कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो उनके द्वारा ये बनाया गया एक्ट है बेसिकली 1784 में, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज एग्जैक्टली दी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784, ओके। इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ओके। सो बेसिकली जो 1773 का जो एक्ट था उसके अनुसार जो भी प्रावधान किए गए थे इस एक्ट में, उनको सुधारने के लिए, उनमें जो कमियां थी उनको सुधारने के लिए एक और एक्ट को पास किया गया, वो था 1784 में, ठीक है। नाउ उसमें क्या बदलाव किए गए, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, बट इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, ओके। सो यहाँ पे नया जो चेंज था वो क्या किया गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या था कि एक कमिटी या फिर एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे बेसिकली, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, और ये लोग क्या करते थे बेसिकली, एग्जीक्यूटिव थे। जैसे हमारे यहाँ पे अभी मिनिस्टर्स है, वो सारा हमारा देश का कारोबार देखते हैं, उसी प्रकार से वे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा कारोबार है इंडिया में वो देखते थे। और ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन ने उनको क्या ऑर्डर किया 1773 के एक्ट के अनुसार कि आप जो भी वहां पे काम कर रहे हो वो उसका सारा रिपोर्ट हमको यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आगे जाकर 1784 में बदलाव क्या किए गए कि जो फंक्शंस थे उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, वो क्या फंक्शंस थे, एक तो थे रेवेन्यू, राइट, एक तो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, उसके बाद में दूसरे कौन से फंक्शन थे, मिलिट्री अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स एंड कमर्शियल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, राइट। सो इन द एक्ट ऑफ 1784 द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन हैज डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल अफेयर्स एंड द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया कि कमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए उनको अलाउ कर दिया, लेकिन जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए उन एक नई बॉडी बनाई, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया गया कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे डबल गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। ये डबल गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि एग्जीक्यूटिव ही सारे फंक्शन देखते हैं, हमारे कमर्शियल अफेयर्स, हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, हमारे मिलिट्री अफेयर्स कौन देखता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है, राइट। लेकिन ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट में क्या होता है कि कमर्शियल फंक्शन देखने के लिए अलग गवर्नमेंट होती है, मिलिट्री फंक्शन देखने के लिए अलग गवर्नमेंट होती है, और जो फाइनेंशियल फंक्शंस देखने के लिए अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट होती है, उसे बोलते हैं डबल गवर्नमेंट और ट्रिपल गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया में क्या है, अभी सिंगल गवर्नमेंट है। तो 1784 के एक्ट में ये कहा गया कि डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे दी गई, पॉलिटिकल फंक्शंस देखने के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई, और जो कमर्शियल फंक्शंस है, ठीक है, उनको देखने के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई। तो ये थे फीचर्स है इस एक्ट के, ठीक है। ओके, सो आई हैव अ इंस्ट्रक्शन फॉर यू, ओके स्टूडेंट्स, इफ यू थिंक दिस इज बिट कंफ्यूजिंग, ओके, सो डोंट स्केयर्ड अबाउट दिस, ओके। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ही फैक्चुअल है, ये समझ में नहीं आ रहा या फिर याद नहीं रहेगा, आपको बस क्या करना है, ध्यान लगा के सुनना है,
आप यहाँ पे मैं जो भी आपके कंसेप्चुअल आपको जो भी बताऊंगा वो आपको समझना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये अभी मैंने आप ये जो हमारा लेक्चर है आप भूल जाओगे, लेकिन इसको रिवाइज करने की जरूरत है। और ये जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें ये सभी सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं ये इसी प्रकार की, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम इसी प्रकार की चीजें देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटेन के जो बहुत सारे जो एक्ट पास किए गए थे उन्होंने किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया और किस प्रकार से हमारी करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बना, ठीक है। तो ये चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को समझने के लिए हमको रिवाइज करना पड़ता है, एंड इट माइट बी इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हर्डिंग ऑल अबाउट ऑल दिस, राइट। आप पहली बार ये सब सुन रहे होंगे तो आपको ये बिट कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो कंपनी रूल, ओके, वॉइस ब्रेकिंग, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके 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 ओके। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट एक्ट ऑफ कंपनी, चार्टर एक्ट 1833। ये सब हम क्या देख रहे हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, वी आर स्टडिंग अबाउट द कंपनी रूल, ओके। मतलब 1857 के पहले इसके जो भी कानून पास किए गए थे ब्रिटेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या फिर ब्रिटेन के द्वारा वो हम देख रहे हैं, ठीक है। नाउ चार्टर एक्ट 1833, दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके। नाउ फीचर्स ऑफ द एक्ट, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम इन ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट इंडिया हैविंग अथॉरिटी ऑल ओवर इंटायर टेरिटरी टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन, जैसा मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी स्थापन करने की कोशिश कर रही थी या कोशिश करने के लिए जो कानून पास कर रही थी, तो दिस वाज द लास्ट स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या कि पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश इंडिया में तीन प्रोविंसेस थे, तीन प्रदेश थे, पहला प्रदेश था बंगाल, ठीक है, उसका बाद में मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों प्रदेश में अलग अलग गवर्नर्स थे और ये तीनों गवर्नर्स इंडिपेंडेंटली काम करते थे और ये तीनों गवर्नर्स पोजीशन में जो उनकी अथॉरिटी थी उनमें एक समान थे, ठीक है। लेकिन पहले तो 1773 के एक्ट में क्या किया कि गवर्नर बंगाल को जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया और जो दो गवर्नर्स थे उनको सबॉर्डिनेट बना दिया बंगाल के गवर्नर के नीचे, राइट। लेकिन 1833 में क्या किया कि उससे भी आगे बढ़कर इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब वो बेसिकली एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से हैसियत का एक वो व्यक्ति वहां पे हो जाता है, ठीक है, कि उसके पास ब्रिटेन ने यहाँ पे इंडिया में जितना भी एरिया कैप्चर किया है वो उस पूरे एरिया को वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अथॉरिटी उसके पास आ गई, ठीक है। इट वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, ठीक है। और हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया, द लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर हिज नेम, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। एंड द लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ
Also, it deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power. The governor general of India was given exclusive legislative power for the entire British India. Okay? The laws made under the previous acts were called as regulations, while the laws made under this act were called as acts. ठीक है, so जैसे मैंने बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, उसके बाद में उसके हाथ में पूरी की पूरी पावर्स दे दी, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी गवर्नर बॉम्बे के गवर्नर के पास और मद्रास के गवर्नर के पास, वो भी उनसे छीन कर किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई. ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब आप समझ पाते हैं ना, लेजिस्लेटिव पावर मतलब जो कायदा कानून बनाने की जो अथॉरिटी होती है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है, सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी से पहले क्या होता था कि बंगाल के कायदे कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, बंगाल के गवर्नर के पास था. बॉम्बे प्रोविंस के कायदे कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, बॉम्बे के गवर्नर के पास था. और सिमिलरली मद्रास के गवर्नर के पास भी उसके अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने की उसके पास अथॉरिटी थी. लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तब इन दो मद्रास और बॉम्बे के जो जो गवर्नर थे उनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर थी, कायदे कानून बनाने की जो अधिकार थे, वो उनसे छीन कर किसको दिए गए, वो दिए गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक को. ठीक है, ओके. नाउ इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी एंड हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स. ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या किया, जैसा मैंने आपको मैंने बताया था कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे हटाकर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी के पूरी अथॉरिटी इंडिया की अपने हाथ में लेने लगी थी. और इसी कोशिश में इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी. ठीक है, विच बिकेम्स अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी नहीं रही. ठीक है, मतलब जिस काम के लिए वो इंडिया में आए थे कमर्शियल व्यापार करने के लिए, ठीक है, बेसिकली वो कमर्शियल बॉडी अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही. अभी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई इंडिया में. ठीक है, ओके. और उसी प्रकार से इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इंटरेस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी. मतलब इस एक्ट के अनुसार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टेरिटरीज या फिर जो भी एरियाज कैप्चर किए हैं, ठीक है, वो किसके अधिकार से कैप्चर किए गए हैं, इन ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी. मतलब जो ब्रिटेन में क्राउन है, ब्रिटेन में जो राजा है, उनके विश्वास के अनुरूप, ठीक है, और उनके आदेश के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये टेरिटरीज इंडिया में हासिल की गए है. मतलब अल्टीमेट जो ओनर है वो कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज इंडिया में है उनका, जो हिज मेजेस्टी मतलब जो क्राउन है, जो राजा है ब्रिटेन के, वो. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट 1853. हियर सम हियर इज मिस्टेक इज हैपेंड हियर. यहाँ पे मैंने चार्टर एक्ट 1853 यहाँ पे लिखना था, ये जो नीचे वाला है, ठीक है, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 यहाँ पे हुआ है. तो ये चार्टर एक्ट 1853 है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज, ये जो चार्टर एक्ट 1833 है ये जो लास्ट एक्ट है कंपनी रूल का. ओके, उसके बाद में क्या चालू होगा, उसके बाद में होगा 1857 में क्या होगा, 1857 में हुआ रिवोल्ट, राइट, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857. उसके बाद में क्या हुआ, जो क्राउन रूल आ गया, मतलब जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म होके डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करके ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उन्होंने डायरेक्टली
अपना रूल यहाँ पे प्रस्तापित कर दिया 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है? तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो डू यू हैव एनी डाउट? यू कैन आस्क एनीथिंग। ओके, तो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन लीव दिस लेक्चर, अदरवाइज यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड बाय, गुड नाइट।